पास। छत्तीस बरादरी का सम्मान करते हुए जो गरीब का हक गरीब के घर तक पहुंचाने का काम किया है। ट्रैक्टर पर तो खुद मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी प्रचार करते घूम रहे हैं। ट्रैक्टर किसान की शान है, किसान की जान है। क्या सरप्राइजिंग था आपके लिए भी टिकट मिलना? कोई सरप्राइज नहीं है। ये किस तरह की राजनीति है? आपको नहीं लगता कि मुद्दों से भटक गए हैं? जो उन्होंने बात की है उसका जवाब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है, जो सही है। देश की सुरक्षा का मसला था, महिलाओं की सुरक्षा का मसला था। अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें हैं, 10 में से कितनी सीटें कांग्रेस पार्टी से आगे जो दूसरे और दल हैं वो आएंगे? ये तो बी टीम बनके जानबूझ के सब कुछ ड्रामा रचा गया, अब ये वोट काटने के लिए भेज दिए हैं। हरियाणा एक, हरियाणा एक के मंत्र के साथ हमने काम किया है। ब्राह्मण चेहरे पे उतार कर क्या कुछ मैसेज देना चाहती है कांग्रेस आपको? पिछली बार तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए थे यहाँ पर। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात सोनीपत के लीडरों के साथ किया है। वो तो ये कहते हैं आप भी तो राय से आए हैं, आप कौन सा यहाँ से हैं? उम्मीदवार उत्तराखंड से लेके आए हैं, इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। वो कहते हैं मैं भी कितना ही दूर हूँ, मैं भी तो यही कहूँ। आपको नहीं लगता कि प्रतिष्ठा की लड़ाई है? आदमी की कोई प्रतिष्ठा नहीं, हमारे लिए तो देश की प्रतिष्ठा है। आप अपनी सरकार की, प्रदेश सरकार की भी तो कुछ उपलब्धियाँ गिनवाए। जब हरियाणा सरकार का जब चुनाव होगा वो उपलब्धियाँ जनता के बीच में रखेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा पर, और हम जनता की नब्ज टटोलने के लिए हरियाणा के चुनावी रण में उतरे हैं। इस वक्त हम हैं सोनीपत लोकसभा सीट पर और यहां बीजेपी ने नए चेहरे पर दांव खेला है। ट्रैक्टर पर गेड़ी के लिए हम यहां आए हैं और हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के सोनीपत से उम्मीदवार मोहनलाल बड़ौली जी हैं। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत स्वागत आपका सुदेश नैन जी, आपके न्यूज 18 का, सभी आपके चैनल के सभी कार्यकर्ताओं का सोनीपत की इस पावन पवित्र भूमि पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। शुक्रिया। मेरा पहला सवाल आपसे ये है क्योंकि अभी अभी जनसभा करके आप निकले हैं, लोगों से मिले हैं, कैसा समर्थन मिल रहा है, कैसा माहौल है इस बार चुनाव? आज 2024 के इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के बाद जैसे ही मैं जनता के बीच में गया हूँ, पूरी जनता ने पूरा आशीर्वाद, महिलाओं ने, पुरुषों ने, बुजुर्गों ने, युवाओं ने, 36 बिरादरी के भाइयों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर मुझे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो 10 वर्ष की सरकार की उपलब्धि, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के साथ 36 बिरादरी का सम्मान करते हुए जो गरीब का हक गरीब के घर तक पहुँचाने का काम किया है और एक नए भारत का निर्माण, नए विकास के काम जो पूरे देश में, अगर सड़कें बनी तो सभी देश के जिलों को नेशनल हाईवे से जोड़ने का जो एक नया अभियान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उनकी सरकार ने किया है, और 10 वर्षों की जो बहुत काम गिनाने लगे तो सुबह से शाम हो जाए। वो काम भी मैं आपसे पूछूंगी और जो समस्या है लोगों के उन पर भी हम बात करेंगे। ट्रैक्टर ये हमारे साथ है, सोनालिका का ट्रैक्टर है और ट्रैक्टर पर तो खुद मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी प्रचार करते घूम रहे हैं, नामांकन करवा रहे हैं अपने उम्मीदवारों का। इसके बिना हरियाणा की राजनीति नहीं है आज के वक्त में। किसानी खेती से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है, ये चलाएंगे और तमाम चर्चाएं करेंगे, मुद्दों पर बात करेंगे, आप लीड करें, इसको चलाएं। ये ट्रैक्टर किसान की शान है, किसान की जान है, और मैंने भी खुद ट्रैक्टर से खेती की है और किसानी से जुड़ा हुआ रहा हूं, और देश की आज भी 60% आबादी कृषि पर आधारित है, कृषि से रोजगार के अवसर उनको मिलते हैं और कृषि से ही पालन पोषण होता है। आज चलो हम चलते हैं आपके इस ट्रैक्टर के अभियान पर। जैसी जिम्मेदारी अभी हम आपको ड्राइविंग सीट पे बैठा के दे रहे हैं, वैसी जिम्मेवारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, पार्टी ने भी आपको दी है। पार्टी ने दी है और इस जिम्मेवारी को हमने अच्छे से निभाया भी है और निभाएंगे भी। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि क्या सरप्राइजिंग था आपके लिए भी टिकट मिलना? कोई सरप्राइज नहीं है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो भरोसा करके, जो उम्मीद करके और मेरे को पर भरोसा जताया है, मैं उस पर खरा उतरूंगा और जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेके इस लोकसभा सीट में विजयी होकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक कमल सौंपने का काम करें। मोहनलाल जी, मैं आपसे पूछ रही थी कि आप हर जनसभा में कह रहे हैं कि कांग्रेस खाता नहीं खोल पाएगी, ये आत्मविश्वास है या अति आत्मविश्वास? ये जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, जनता ने जो प्यार दिया है, ये उसी बात का अनुमान है और
कांग्रेस पार्टी ने जो देश में भ्रष्टाचार किया है, जिस प्रकार से देश को लूटने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है, तो देश की जनता ने उनको पहचाना है, देश की जनता ने जाना है और देश की जनता सब जानती है। ये आपकी नजर में क्या मुद्दा है जनता के बीच? देश का चुनाव है, प्रधानमंत्री का चुनाव है, लेकिन सोनीपत लोकसभा सीट पे कौन सा मुद्दा आपको लगता है ये मुद्दा है? फिर मैं अपने सवालों पर आऊंगी क्योंकि जनता बहुत सारे सवाल आपसे पूछना चाहती है। कांग्रेस के शासन में, कांग्रेस के राज में सोनीपत का विकास रुका। सोनीपत में जिस प्रकार का कुशासन कांग्रेस के शासन में रहा है, लोगों के साथ जो भेदभाव हुआ है, जो जातिवाद, क्षेत्रवाद, परिवारवाद का बढ़ावा कांग्रेस पार्टी के राज में हुआ है, इसलिए जनता उससे तंग आकर आज सबका हक सबके घर तक पहुंचाने का जो काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और जो भारतीय जनता पार्टी की सोच, जो भारतीय जनता पार्टी की नीति है और जिस विचार के साथ भारतीय जनता पार्टी काम करती है, ये उसी का परिणाम है। यानी मोदी नाम के सहारे आप चुनाव लड़ रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे, वो हमारी पार्टी के नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। जो भी काम उन्होंने किया है, उनके सहयोगी के रूप में हम सब काम करेंगे। एक गिला शिकवा है सोनीपत की जनता को, क्योंकि उनसे भी हमने बातचीत की, वो कहते हैं कि एक लंबी मांग थी, चाहे वो मेट्रो की मांग हो, कि सोनीपत तक नहीं आई। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, उसने जो रुकावटें पैदा की हैं रैपिड रेल में भी और मेट्रो रेल में भी, ये जनता के सामने है, जनता जानती है और जनता को विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी इस काम को करेगी। अब यहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि हर विधानसभा क्षेत्र को सोनीपत में आपने हाईवे से जोड़ दिया, लेकिन जो टोल टैक्स है उसकी मार आम लोगों पर पड़ रही है, आम लोग उससे परेशान है, कोई समाधान होगा इस बात का? इसका समाधान भी होगा और ये आने वाले समय में पूरे देश की जनता को इसका फायदा भी मिलेगा और ये टोल भी खत्म होंगे। इस प्रकार की नीति लेके देश के प्रधानमंत्री जी आएंगे। यहाँ के लोग कह रहे हैं कि इतने हादसे बढ़ गए, ट्रोमा सेंटर आज तक नहीं बना यहाँ पर, जल निकासी का भी मैं साथ में जोड़ देती हूँ, मॉनसून आने से पहले लोग परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि पानी खड़ा हो जाएगा, घरों में पानी भर जाएगा, वो भी एक मुद्दा है। बस स्टैंड बाहर बनना था, अभी तक नहीं बना, पीपीपी मोड पे उसको बनना था, ये तमाम मुद्दे इनको अभी तक क्यों नहीं पूरा किया गया? क्या हर बार हर चुनाव में यही मुद्दे होंगे? नेशनल हाईवे 44 नंबर को 12 लेन का बनाना, और आप सबने देखा है 19 पुलों का उद्घाटन एक ही दिन होना, और आज जो 100 बेड का हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर खेवड़ा में पास होना, ये हमारी सरकार की उपलब्धि है। और मुर्कल फ्लाईओवर के पास बीपी मॉडल पर हॉस्पिटल, लेकिन वो कह रहे सिर्फ रेफर करने के लिए फोर्ट बस अड्डे का निर्माण एक प्रक्रिया के तहत बजट का पास होना, फिर भूमि का चयन होना और जो कागजी काम है वो पूरा हुआ है और चुनाव के तुरंत बाद वो धरातल पर आएगा और लोग उसको देखेंगे। आपको अगर सोनीपत की जनता संसद भेजती है, पहला कौन सा काम होगा जो आप सबसे पहले पहली कलम से पूरा करवाना चाहेंगे? सबसे पहला काम यही होगा कि बोर्ड बस अड्डे का निर्माण हो, रैपिड रेल आए, मेट्रो रेल आए, ड्रामा सेंटर यहाँ पर बने और एक मसाला मंडी यहाँ पर बने, जो काम बहुत जल्दी होने हैं। 300 बेड का ईएसआई का हॉस्पिटल। मसाला मंडी का अच्छा जिक्र किया आपने, क्योंकि उसको जमीन के अधिग्रहण का मामला भी सब कुछ हो चुका है करीब। वो 32 एकड़ जमीन शेरसा गांव में हुई, 50 एकड़ से नीचे उसका निर्माण हो नहीं सकता, इसलिए उसका चयन दूसरे स्थान पर किया गया है। जो इंटरनेशनल फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट है उस पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन अभी तक उसका कुछ हो नहीं रहा, काम काज हो नहीं रहा वहाँ पर। वो काम भी बहुत जल्दी धरातल पर उतरेगा और काम बहुत जल्दी होगा। कुछ पॉलिसी की वजह से, कुछ नियमों की ऐसी उस पॉलिसी में परिवर्तन करते हो, बहुत तेज गति के साथ गन्नौर मंडी का निर्माण भी हम करने वाले। मोहनलाल जी, आपको नहीं लगता कि कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है सोनीपत में? आए दिन मर्डर होना, हत्याएं होना, जो क्राइम है वो बहुत कम हुआ है और उसके आंकड़े अगर आप देखेंगे तो 2014 के बाद हर साल उसमें गिरावट भी आई है और धीरे धीरे करके इस प्रकार का कानूनी सिस्टम को मजबूत करने का हमारी सरकार का जो लक्ष्य है उसको हमने पूरा किया है। सबकी सुरक्षा की गारंटी मोदी जी की है। गोहाना सब डिवीजन को लेकर भी मांग उठ रही कि इनको जिला बनाया जाए। अगर पॉपुलेशन के हिसाब से जिला बनेगा तो हम उसको जरूर बनाएंगे, काम करेंगे। एक और बड़ा सवाल है, मुकाबला किससे मानकर चल रहे हैं? सतपाल ब्रह्मचारी को कांग्रेस ने टिकट दिया है चुनाव मैदान में उतारा, वो भी सरप्राइज था।
सतपाल ब्रह्मचारी तीसरे नंबर पर जाएंगे और कांग्रेस बहुत पीछे जाएगी, कांग्रेस मुकाबले से बाहर हो जाएगी। अभी चुनाव चलेगा। किसान किसानी जो किसान आंदोलन हुआ, महिला पहलवानों का मुद्दा है, ये कितना बड़ा मुद्दा आप मान रहे हैं? जब भी हम आपको सुनते हैं, सवाल किया जाता है पत्रकारों की तरफ से आपको, तो आप कहते हैं कि कोई विरोध नहीं हो रहा है, ये दूसरी पार्टी के नेता कार्यकर्ता है वो करवा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता का कोई विरोध नहीं हुआ। ये कुछ लोग हैं जो इस प्रकार का रूप बदल के आते हैं, चेहरा बदल के आते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कभी भी कोई भी विरोध हरियाणा प्रदेश में नहीं हुआ। जो तमाम बाकी पार्टियां आप पर आरोप लगा रही बीजेपी पर कि आप राम मंदिर को ले आए, आप अभी भी हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, मंगलसूत्र का को लेकर बड़ा बवाल हुआ है, अब शहजादा पर पहुंच गए, शहनशाह पर बात हो रही है, ये किस तरह की राजनीति है? आपको नहीं लगता कि मुद्दों से भटक गए हैं, बेरोजगारी की बात नहीं की जा रही? ये कांग्रेस पार्टी ने जो अपने घोषणा पत्र में जो बात कही है कि हम सबकी प्रॉपर्टी की जांच कराएंगे, पूरा उनके मैनिफेस्टो जो है सोशल मीडिया पे है, कांग्रेस पार्टी ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है उस पे उनके बिल्कुल पूरे बयान हैं और उस प्रकार की उन्होंने बात की है, और जो उन्होंने बात की है उसका जवाब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, जो सही है। आपके विरोधी कह रहे, क्योंकि इससे पहले हम कुरुक्षेत्र में थे, तो आपके विरोधी कह रहे हैं कि बात तो बेरोजगारी मिटाने की हुई थी, गरीबी हटाने की हुई थी, देश की सुरक्षा का मसला था, महिलाओं की सुरक्षा का मसला था, अब उन पर बात क्यों नहीं की जा रही? बेरोजगारी को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी, किसानों के सम्मान की गारंटी, सीमाओं की सुरक्षा की गारंटी, युवाओं के रोजगार की गारंटी, गरीब कल्याण की योजनाओं की गरीब के घर तक पहुंचाने की गारंटी, सबके समान अधिकार की गारंटी, देश के विकास की गारंटी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ली है, और उस गारंटी पर विश्वास करके देश की जनता ने अब की बार 400 पार तीसरी बार मोदी सरकार ये काम करने का संकल्प देश की जनता ने लिया है। आपको नहीं लगता कि एंटी इनकम्बेंसी का एक फैक्टर होगा, या सिर्फ आप बिल्कुल वन साइडेड गेम मानकर चल रही है, फाइट वन साइड है? सरकार की सभी पॉलिसी से, सरकार के विकास के काम से, सरकार का जो न्याय प्रणाली का सिस्टम, और सरकार ने जो सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास और सबके विश्वास के साथ काम किया है, वो एक मजबूत आधार है, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसियों से सब खुश हैं। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें हैं, 10 में से कितनी सीटें आप कहेंगे 10 की 10 भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, और एक करनाल की विधानसभा 4 जून को 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष। किसी का कोई मुकाबला नहीं, मतलब आप ये मान रहे हैं? कांग्रेस पार्टी मुकाबले में कहीं है ही नहीं, वो तो अपनी साख बचाने के इधर उधर प्रयास में है, और कांग्रेस पार्टी से आगे जो दूसरे और दल हैं वो आएंगे। जेजेपी के साथ ना रहने से, उनके अलग चुनाव लड़ने से आपके विरोधी कह रहे, चाहे वो INLD हो या फिर कांग्रेस हो, कि तो बी टीम बन के जानबूझ के सब कुछ ड्रामा रचा गया, अब ये वोट काटने के लिए भेज दिए हैं। जनता ने हमें 40 MLA दिए, सरकार चलाने के लिए 46 की जरूरत थी, 10 MLA उनके साथ लग के हमने 4.5 तक हरियाणा प्रदेश की जनता की सेवा की है, अच्छे से सेवा की है, और देश में कानून व्यवस्था को मजबूत किया है। हरियाणा एक, हरियाणवी एक के मंत्र के साथ हमने काम किया है, और लोगों का जो हक था लोगों के घर तक पहुंचाने का काम किया है। मौजूदा सांसद की टिकट काटकर आपको टिकट दिया गया है, एक बड़ी जिम्मेदारी तो आप मानते होंगे, एक छोटे से परिवार से, गांव देहात से, खेती बाड़ी से जुड़ा परिवार, आपके पिता तो हालांकि रचयिता भी थे, कवि हृदय थे वो, मेरे कुछ बैकग्राउंड बताएंगे, कुछ यादें बचपन की। मैं एक ऐसा साधारण किसान का बेटा जो गाँव में जन्म लिया, और गैर पॉलिटिकल परिवार होते हुए किसानी से मैं भारतीय जनता पार्टी में आया, और ये भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो एक साधारण कार्यकर्ता इसमें कुछ भी बन सकता है, और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी जिस गरीब परिवार से आए हैं, जिस प्रकार से बचपन में चाय की दुकान पर काम करते करते देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उसी प्रकार से हम गांव में जन्म लेके और गांव में पढ़ते हुए, खेलते हुए, खेती करते हुए, और जनता के आशीर्वाद से जिला पार्षद बना, जनता के आशीर्वाद से विधायक बना, और जनता के आशीर्वाद से 2000 में अब सांसद तक का सफर जो मैं तय करूंगा, ये जनता जनार्दन के आशीर्वाद से करूंगा, और ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है, भारतीय जनता पार्टी में ही ऐसा हो सकता है। कांग्रेस पार्टी अपने परिवार की पार्टी, वो अपने परिवार से बाहर जाने वाली पार्टी नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी सबकी पार्टी है, आम गरीब आदमी की पार्टी है।
ब्राह्मण चेहरे को उतार कर क्या कुछ मैसेज देना चाहती है कांग्रेस आपको? पिछली बार तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए थे यहाँ पर, उस रण में अब नया चेहरा उतार कर वो एक जो मैं पहले भी आपको बता थी कि सोशल इंजीनियरिंग की जा रही है। ये कांग्रेस पार्टी का अपना सोचने का नजरिया है और कांग्रेस पार्टी हमेशा जातिवाद की, परिवारवाद की, क्षेत्रवाद की राजनीति करती रही है। हम राष्ट्रवाद की राजनीति करते हैं, पूरे देश की राजनीति करते हैं और उसी के तहत कांग्रेस पार्टी का जो चाल और चरित्र और चेहरा वो जनता के सामने है। और कांग्रेस पार्टी ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात सोनीपत के लीडरों के साथ किया है, पहले भी किया है और अब की बार भी किया है। और जो उम्मीदवार उत्तराखंड से लेके आए हैं इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। पर वो तो ये कहते हैं आप भी तो राय से आए हैं, आप कौन सा यहाँ से हैं? मैं राय से नहीं आया, वो भी देश के हैं, मैं भी देश का हूँ। मैं सोनीपत कितना दूर हूँ, मैं भी तो यही कहूँ आए तो उत्तराखंड से है ना। सोनीपत में क्या लीडरशिप नहीं थी? मेरा गांव है, यहीं पैदा हुआ मैं। मैं तो कहता हूं भारत का है, हमारे भारत का नागरिक कहीं का भी कोई भी चुनाव लड़ सकता है जी। तो ऐसी क्या कमी थी सोनीपत के नेताओं की कि वो टिकट के लायक नहीं समझागा? भूपेंद्र हुड्डा जवाब दे, जनता में जवाब दे, अपने लीडरों से जवाब दे। आपको नहीं लगता कि प्रतिष्ठा की लड़ाई है सोनीपत सीट हुड्डा परिवार के लिए? कोई प्रतिष्ठा के लिए हुड्डा परिवार? प्रतिष्ठा हमारे लिए आदमी की कोई प्रतिष्ठा नहीं, हमारे लिए तो देश की प्रतिष्ठा है। ये देश की प्रतिष्ठा का सवाल है और देश की प्रतिष्ठा, देश को मजबूत करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आपके सियासी विरोधी तो ये भी कह रहे कि आप अपनी सरकार की, प्रदेश सरकार की भी तो कुछ उपलब्धियां गिनवाएं, आप अपने सांसद की भी तो कुछ उपलब्धियां गिनाएं। सिर्फ मोदी नाम के सहारे क्यों चल रही है आपकी नैया इस बार भी? हमारे हरियाणा सरकार की बहुत सारी उपलब्धियां हैं, जब हरियाणा सरकार का जब चुनाव होगा वो उपलब्धियां जनता के बीच में रखेंगे। आज ये देश का चुनाव है, देश के प्रधानमंत्री जी ने जो काम किए हैं, देश का प्रधानमंत्री हमने चुनना है, इसीलिए हम देश के मुद्दों की बात करेंगे और देश के प्रधानमंत्री की भी बात। मोहनलाल जी आपने बिल्कुल सोनाली का ट्रैक्टर की मजबूती की तरह